बॉलीवुड की सुपर स्टार रेखा ने फिल्म साइन की और शुरुआती कुछ सीन की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन श्रीदेवी के स्टारडम को लेकर डरी हुई थी। कथित तौर पर फिल्म में वह किरदार निभाना चाहती थी जो श्रीदेवी को दिया गया था, लेकिन डायरेक्टर इसके लिए तैयार नहीं हुई। फाइनली रेखा ने इसे छोड़ने का फैसला लिया और फिर कभी तमिल फिल्म में काम भी नहीं किया। बाद में रेखा को एक्ट्रेस दीपा से रिप्लेस किया गया। फिल्म से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है कि पहले इससे महेंद्र ने डायरेक्टर करने वाले थे। उन्होंने एक सॉन्ग सिक बैच शूट किया और फिर फिल्म से बाहर हो गए। फिर कमल हाउस की रिक्वेस्ट पर जी रंगजान ने फिल्म की कमान अपने हाथ में ले ली थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में श्रीदेवी पहचान रेखा द्वारा छोड़ी गई। फिल्म से मिली थी फिल्म एक्ट्रेस श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म 16वां सावन 1979 में थी। श्रीदेवी को स्टार बनाया हिम्मत वाला 1983 में। फिल्म के एक्टर जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि इसके लिए रेखा पहली पसंद थी, लेकिन किसी अन्य प्रोजेक्ट के चलते फिल्म नहीं कर सकी। वो केल जितेंद्र तब हमने नई लड़की को लॉन्च करने को फैसला लिया और बाकी सब जानते ही है। ऐसे इत्तेफाक इंडस्ट्री में अक्सर होते हैं। जितेंद्र ने 18 फिल्म में श्रीदेवी और 30 फिल्म में रेखा के साथ काम किया है। श्रीदेवी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आई थी, इसलिए शुरुआती कुछ सालों तक उनकी आवाज़ को डब किया गया। ज़्यादातर फिल्म में बेबी नाज ने उनकी आवाज़ को डब किया था, लेकिन 1979 में आई अमिताभ बच्चन स्टार आखिरी रास्ता के लिए रेखा श्रीदेवी की आवाज़ बनी थी। श्रीदेवी ने 1979 में आई चांदनी से अपनी आवाज़ खुद डब करनी शुरू की थी। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हालांकि हमेशा उस लड़की श्रीदेवी को पसंद किया, वह अपने आप में एक चिंगारी थी। मेरा मानना है कि वैजयंती माला और हेमा मालिनी के बाद श्रीदेवी तमिल से हिंदी सिनेमा में आई तीसरी सुपरस्टार थी। मुझे नहीं लगता था कि इन एक्ट्रेस के बीच में अपने आप को कहीं पाती हूँ। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी 24 फरवरी 2018 को दुनिया को अलविदा कह गई। हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार थी। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दे। हमें कमेंट में ज़रूर राय दें।